कंगना रनौत के खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स फाइल होती ही जा रही हैं। जी हाँ, और शिवसेना जो है वो टोटली मेक श्योर कर रही है कि हर तरह से प्रॉब्लमैटिक होती चली जाए सिचुएशन। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है, बिकॉज यहाँ लोग देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कई चीज़ें बोल जाते हैं लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें मारा धमकाया या पीटा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इंसान अपनी बात रख सकता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार आई गेस इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीज़ें हो रही है ये वेरी मच ऑब्वियस है। और हाल फिलहाल में एक नेवी के वेटरन ऑफिसर को भी मारा गया है किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक जोक शेयर किया, एक मीम शेयर किया, एक पोस्ट शेयर किया, कार्टून शेयर किया इस रीजन से। अब मैं आपको बता दूं कि तीसरी कंप्लेंट लगातार फाइल हो चुकी है कंगना रनौत के खिलाफ। जी हाँ, कंगना रनौत के अगेंस्ट एक और थर्ड कंप्लेंट फाइल हो गई है, जहां पर एलिगेशन ये है कि वो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट बात कर रही है और उनका नाम लेकर गलत तरीके से बात कर रही है। तो अब यहां पर देखना यह होगा कि किस तरीके से कंगना जो है वो रिस्पॉन्ड करती है इस चीज का। लेकिन क्या कुछ आपकी राय है इस चीज पर, आपका क्या कुछ ओपिनियन है, क्या आप मुझे जरूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।